माता की, भारत माता की, नालंदा के ई ज्ञान भूमि के नमन कर रहलिए है। ई बुद्ध महावीर मणिराम मखदुम बाबा के पवित्र भूमि है। हम इस धरती पर आकर बड़ा गौरव महसूस कर रहलिए है। मंच पर विराजमान केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी श्रीमान गिरिराज सिंह जी, सांसद श्रीमान ललन पासवान जी, श्रीमान विश्वनाथ भगत जी, श्रीमान सत्यानंद शर्मा जी, श्रीमान राजीव रंजन जी, हम पार्टी के श्रीमान जिमान विश्वजीत पासवान जी, श्री रविशंकर प्रसाद जी, श्री बीसी विद्यार्थी जी, श्रीमान राजू पासवान जी, श्रीमान छोटेलाल राजवंशी जी, श्री प्रेम रंजन पटेल जी, भूपेंद्र साहनी जी, और इस चुनाव में जो आपके आशीर्वाद से विजय यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं, हरनौत से लोजपा के उम्मीदवार श्रीमान अरुण कुमार, आइए आगे ये अरुण जी, हिलसा से लोजपा के उम्मीदवार श्रीमती दीपिका कुमारी, मोकामा से लोजपा के उम्मीदवार श्रीमान कन्हैया कुमार सिंह, नालंदा से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान कौशलेंद्र कुमार, इस्लामपुर से भाजपा उम्मीदवार श्रीमान वीरेंद्र गोप, बख्तियारपुर से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान रणविजय सिंह, राजकीय से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान सत्यदेव नारायण आर्य, बिहार शरीफ से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान सुनील कुमार, अस्थावा से लोजपा के उम्मीदवार श्रीमान छोटेलाल यादव, मेरे साथ बोलिए भारत माता की। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि एक सभा है कि चार सभाएं हैं। उधर कोई ऐसी भीड़ दिख रही जैसे वहां कोई सभा चल रही है, यहां तो ऐसा जनसैलाब है कि नजर ही नहीं पहुंचती है। उधर एक सभा चल रही है, इतनी भीड़ लग रही है किनारे के बाहर, और इधर मैं समझता हूं दूसरी एक इतनी सभा यहां चल रही है। मुझे पता नहीं उनको सुनाई देता होगा कि नहीं देता होगा, उसके बावजूद भी इस ताप में आज नालंदा ने कमाल कर दिया। चुनाव का नतीजा तो 8 तारीख को आएगा, 8 तारीख के बाद उनका क्या होगा वो तो सब जानते हैं, लेकिन आज इस सभा की खबर सुनने के बाद लोक तांत्रिक नीतीश जी का क्या होगा, पता नहीं क्या से क्या हो गया। भाइयों बहनों, ये बिहार के नागरिकों की सूझबूझ है,
बिहार के मतदाताओं का राजनीतिक बड़प्पन है कि वे बड़ी आसानी से दूध का दूध और पानी का पानी कर सकते हैं। एक प्रकार से बिहार के नागरिकों की सोच राजहंस जैसी सोच है, राजहंस जैसी सोच है जो सच्चे मोती को परखने में पावरफुल है। और मैं माहौल जो देख रहा हूं, ये माहौल ये सिर्फ चुनाव के विजय का माहौल नहीं है, ये सिर्फ लोकतांत्रिक नीतीश कुमार को पराजित करने का ही माहौल ऐसा नहीं है, ये सिर्फ लालू जी को पराजित करने का माहौल है ऐसा भी नहीं है, ये सिर्फ सोनिया जी को दर्पण दिखाने का माहौल ऐसा भी नहीं है। ये माहौल 60 साल तक जिन्होंने बिहार को बर्बाद किया है, ऐसे इन तीनों लोगों को सजा करने का माहौल है, सजा करने। और बिहार की जनता ये चुनाव किसी को पराजित करने के लिए नहीं लड़ रही है, बिहार की जनता बिहार का भाग्य बदलने के लिए चुनाव लड़ रही है। और मैं देख रहा हूं बिहार की जनता ने भाग्य बदलने का फैसला कर लिया है। भाइयों बहनों, ये ऐसा इलाका है हिंदुस्तान के, पांचवी कक्षा का विद्यार्थी हो, सातवीं कक्षा का विद्यार्थी हो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने का हो, किसी भी भाषा में उसका शिक्षा दीक्षा हुई हो, लेकिन पांचवी सातवीं कक्षा में आते आते उसको नालंदा का पता होता है, उसे कान पे शब्द पड़े होते हैं, किताब में पढ़ा होता है कि नालंदा की कैसी गौरवशाली कहानी है, कैसा गौरवशाली इतिहास है। हिंदुस्तान का कोई बच्चा पढ़ा लिखा हो ऐसा नहीं होगा जिसने अपने जीवन में कभी नालंदा न सुना हो। आप कल्पना कर सकते हैं कितनी बड़ी महान विरासत के आप धनी हैं मेरे भाइयों बहनों। जिस बिहार के पास नालंदा जैसी विरासत हो और जिस नालंदा की विरासत को लेकर के पूरा हिंदुस्तान सदियों से सीना तान करके जी रहा हो, शान से माथा ऊंचा करके जी रहा हो, आजादी के बाद उस नालंदा की चिंता होनी चाहिए थी, लेकिन सत्ता में डूबे लोगों को नालंदा की याद नहीं आई। भाइयों, नालंदा की याद नहीं आई। पूरा विश्व नालंदा की धरती पर ज्ञान की प्यास बुझाने के लिए आता था। दूर सुदूर से लोग सालों तक यात्रा कर करके नालंदा में अपना जीवन समाप्त करने के लिए पहुंच जाते थे। आखिरी तक ज्ञान पिपासा के लिए वो यहीं पर डूबे रहते थे। लेकिन क्या हो गया, जो नालंदा की धरती दुनिया को पढ़ाती थी, दुनिया को लिखाती थी, दुनिया को ज्ञान देती थी, उस बिहार के नौजवान को आज पढ़ने के लिए कहीं बाहर जाना पड़ता है, शिक्षा के लिए उसको अपना नालंदा छोड़ना पड़ता है, अपना गांव, खेत, खलिहान, यार दोस्त, बूढ़े माँ बाप,
सब कुछ छोड़ना पड़ता है और ये लोकतांत्रिक नीतीश जी, उनको लगता है अब बिहार को सिर्फ तांत्रिक बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता है। लोकतांत्रिक नीतीश बाबू बिहार को तांत्रिकों की जरूरत नहीं है, ये लोकतंत्र की ताकत ही बिहार को बचा लेगी। इतनी ताकत इस ताकत में, बिहार के नौजवान में वो ताकत है कि बिहार को बचाने के लिए किसी जंतर मंतर की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताइए, बिहार के चुनाव का मुद्दा क्या होना चाहिए था? क्या होना चाहिए भाइयों? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? लेकिन उनके भाषण सुनिए, भाषण में क्या बोलते हैं? चुनाव है, 25 साल तक बड़े भाई छोटे भाई ने सरकार चलाई है, राज किया है, और भाषण क्या कर रहे हैं? हम सफेद कबूतर को काटेंगे, हम काले कबूतर को काटेंगे, हम मिर्ची का धुआं करेंगे। क्या चुनाव में ये सब करना है क्या? बेचारे कबूतरों को भी काटोगे क्या? क्या गुस्सा बाहर निकालोगे क्या? लोग मुझे पूछते हैं कि मोदी जी, ये चुनाव बिहार का है, पिछले 10 दिन से तो आप नवरात्रि के कारण वहां गए नहीं थे, उसके बावजूद भी ये नीतीश जी, लालू जी दिन रात आप पर कीचड़ क्यों उछाल रहे हैं? आप पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आप पर इतने नाराज क्यों है? ये आप ही के पीछे क्यों पड़ गए हैं? मुझे लोग पूछ रहे हैं। आपको भी आश्चर्य होता है ना कि दिन रात मुझे ही कोसते रहते हैं, लेकिन इसका कारण मालूम है? मैंने कोई उनकी थाली छीन नहीं ली है, भोजन पे बुला करके मैंने कभी उनकी थाली छीन करके अपमानित नहीं किया है, लेकिन वो इस प्रकार से गुस्सा क्यों कर रहे हैं? नाराजी क्यों है? ये नाराजी का कारण है और बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। बिहार के जागरूक नागरिक इस बात को इशारे में समझ जाएंगे। कारण ये है कि पिछले 30 साल से ये अगड़े पिछड़े की राजनीति करते रहे, वे पिछड़ों के ठेकेदार और मसीहा बन गए, जातिवाद का जहर घोलते रहे और ये सपने देख रहे थे कि हम जो ये जहर लेकर के निकले हैं, हम जो ये देश को टुकड़े टुकड़े करने वाली थियोरी लेकर के 30 साल से काम कर रहे हैं, कभी न कभी हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। हमारी राजनीति यावत चंद्र दिवाकरो तपती रहेगी, ये सपने देख करके उन्होंने अगड़े पिछड़े जातिवाद ये सब करते रहे। अब उनको परेशानी ये है कि 30-30 साल तक हम ये करते रहे और अचानक ये अति पिछड़ा ये प्रधानमंत्री कैसे बन गया? एक चाय वाले का बेटा अति पिछड़े परिवार में पैदा हुआ गरीब मां का बेटा प्रधानमंत्री कैसे बन गया? 30-30 साल तक, 30-30 साल तक हमने जहर उगला लेकिन हमारे काम नहीं आया, और ये मोदी ने कौन सी महरम पट्टी लगाई कि सबके सब उसके साथ हो गए? ये गुस्सा इस बात का है, जहर उस बात का है कि एक गरीब मां का बेटा, एक अति पिछड़े परिवार का बेटा, एक चाय बेचने वाला बेटा अचानक प्रधानमंत्री कैसे रहे हैं।
और इसलिए लालू जी दिन रात मुझे गालियां दे रहे हैं, नीतीश जी मुझे अपमानित करते रहते हैं। मैडम सोनिया जी की कांग्रेस पार्टी ने तो 15 साल से मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है, लेकिन आप में जितना जोम है, ताकत है, जुल्म करके देखो। जनता हमारे साथ है, हम सेवा करके देखेंगे। क्या जहर फैला रहे हो? और इसलिए भाइयों बहनों, आज कुछ नहीं मिला, झूठ चलाया जा रहा है, आरक्षण आरक्षण आरक्षण। गुजरात में मैं 14 साल मुख्यमंत्री रहा हूं, किसी भी आरक्षण को कोई खरोच तक नहीं आई। मध्य प्रदेश में हम 15 साल से राज कर रहे हैं, कभी भी आरक्षण पर खरोच नहीं आई। हम झारखंड में राज कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में राज कर रहे हैं, राजस्थान में राज कर रहे हैं, महाराष्ट्र में राज कर रहे हैं, गोवा में राज कर रहे हैं, राजस्थान में, हरियाणा में, लेकिन वहां पर कभी इस प्रकार का सोच तक नहीं आई, विचार तक नहीं आया। हमने समाज को साथ लेकर के चलने का हमेशा प्रयास किया, और जो दलित है, पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने हक दिया है, और मैंने गरीबी देखी है, मैंने पिछड़ापन देखा है, इस परिस्थिति में कैसे गुजारा करना पड़ता है, इसके दर्द को मैं जी चुका हूं, और इसलिए उनकी रक्षा के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दिया है उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता है, क्योंकि मैं, लेकिन फिर भी अटल जी की सरकार इतना समय रही, कभी ऐसा हमने हाथ नहीं लगाया, लेकिन झूठ पे झूठ क्यों? उनके पास विकास का मुद्दा नहीं है। इस चुनाव में लोगों के पास जाने के लिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, और इसलिए इस चुनाव में उनको इसी प्रकार के चीजें बनानी पड़ती है। ये पहला चुनाव ऐसा है शायद हिंदुस्तान के लोकतंत्र में, पहले कभी भी ऐसा चुनाव नहीं हुआ है, ये पहला चुनाव ऐसा है जिसमें ये बड़े भाई छोटे भाई ने 80% चुनाव आउटसोर्स कर दिया है, और वो आउटसोर्स किया है दिल्ली में। दिल्ली में एयर कंडीशन कमरे में बैठ करके रोज नई नई कथाएं गढ़ने वाले, भ्रम फैलाने वाले, झूठ को प्रचलित करने वाला एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। सिर्फ 20% ही चुनाव उनका बिहार में बचा है, 80% तो ऑलरेडी आउटसोर्स कर चुके हैं। और भाइयों बहनों, एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके भांति भांति फैलाना कोई मुश्किल काम नहीं होता है। लोगों को भ्रमित करने के प्रयास कर करके ये खुद अपने आप को भ्रमित कर रहे हैं। मैं साफ देख रहा हूं ये जनता जनार्दन का मिजाज। मैं तो बिहार की धूल खाता खाता घूम रहा हूं भाइयों, बिहार का पानी पीता पीता घूम रहा हूं। मैं देख रहा हूं ये जनसैलाब भारतीय जनता पार्टी एनडीए के विजय का बिगुल बजा रहा है, विजय का बिगुल बजा रहा है। लेकिन भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, आज पूरे विश्व में मुझे पारी ताकत से जवाब देना, आज पूरे विश्व में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? हिंदुस्तान का डंका बज रहा है? अमेरिका में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है? चीन में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है? जर्मनी में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है? कनाडा में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है? चारों तरफ हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है भैया, ये क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है भाई? दुनिया में हिंदुस्तान का जय जयकार क्यों हो रहा
जवाब दीजिए, क्यों हो रहा है? मोदी के कारण नहीं हो रहा है। ये दुनिया में जो जय जयकार हो रहा है, दुनिया में विजय ही विजय का मंत्र गूंज रहा है, उसका कारण मोदी नहीं, ये 125 करोड़ देशवासी है। इसके कारण दुनिया में जय जयकार हो रहा है। आज अगर दिल्ली में आपने हमें पूर्ण बहुमत न दिया होता, 30 साल के बाद दिल्ली में पूर्ण बहुमत वाली सरकार अगर न बनी होती, तो दुनिया में हिंदुस्तान का डंका नहीं बज सकता था। ये डंका इसलिए बजता है क्योंकि मेरे देशवासियों ने 30 साल के बाद दिल्ली में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है। इसकी ताकत है कि दुनिया का कोई भी नेता, कितना ही महान देश क्यों ना हो, कितना ही ताकतवर देश क्यों ना हो, कितना ही शक्तिशाली देश क्यों ना हो, लेकिन उसका नेता जब मोदी से हाथ मिलाता ना, तो उसको मोदी नहीं दिखता है, उसको 125 करोड़ हिंदुस्तानी दिखाई देते हैं। 125 करोड़ हिंदुस्तानी दिखाई देते हैं, ये ताकत है। मुझे बताइए भाइयों, पूरे हिंदुस्तान में बिहार का डंका बजना चाहिए कि नहीं बजना चाहिए? नालंदा की धरती से आवाज तेज आनी चाहिए, बिहार का डंका हिंदुस्तान में बजना चाहिए कि नहीं बजना चाहिए? पूरी दुनिया में बिहार का डंका बजना चाहिए कि नहीं बजना चाहिए? अगर आप बिहार का डंका बजाना चाहते हो, तो बिहार में 2/3 वाली भाजपा एनडीए की बनाओगे? पक्का बनाओगे? आप देखिए, दुनिया को बिहार का लोहा मानना पड़ेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं भाई। इस चुनाव में एक तरफ हम विकास की राजनीति को लेकर के आए हैं, दूसरी तरफ जंगल राज की राजनीति की वकालत हो रही है। मेरे बिहारवासी, मुझे जवाब दीजिए, आपको कौन सी राजनीति चाहिए? क्या विकास की चाहिए? विकास की चाहिए? विकास की चाहिए? चुनाव का मुद्दा विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चर्चा विकास पे होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इन्होंने 25 साल सरकार चलाई, बड़े भाई छोटे भाई ने, उन्होंने अपने काम का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बोलो, उन्होंने अपने काम का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? कितने स्कूल खोले बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? कितने रोड बनाए बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? कितने अस्पताल खोले बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? इंजीनियरिंग में विद्यार्थियों को कितनी सीटें नहीं बनाई वो कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? बिजली के कितने कारखाने लगाए बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? बताते हैं, बताते हैं, जवाब देते हैं, समझाते हैं, क्या करते हैं? बस मोदी को गाली दो, एक ही काम। क्या लोकतंत्र इस प्रकार से चलता है? उन्होंने ये महास्वार्थ बंधन बनाया, महास्वार्थ बंधन। इस महास्वार्थ बंधन में मैं सोच रहा था, 3 ही खिलाड़ी है, एक लालू जी, दूसरे लोक तांत्रिक नीतीश कुमार, तीसरे मैडम सोनिया जी। अभी अभी पता चला कि 3 लोगों का गठबंधन नहीं है,
चार लोगों का गठबंधन है, चार का गठबंधन है। एक है आरजेडी, दूसरा है जेडीयू, तीसरी है कांग्रेस और चौथा है तांत्रिक। ये चार का गठबंधन मैदान में है। मुझे बताइए ये 18वीं शताब्दी की सोच लेकर के 21वीं सदी का बिहार बनाया जा सकता है क्या? क्या जंतर मंतर से बिहार बनेगा क्या? ये क्या बर्बादी का चमन चल रहा है भाइयों बहनों। और इसलिए मैं आज आपके पास आया हूं, इसलिए मैं आज आपके पास आया मेरे भाइयों बहनों, बिहार को ये 18वीं शताब्दी की सोच से मुक्ति दिलानी है, आधुनिक दिशा में जाना है। हमें जंतर मंतर नहीं चाहिए, हमें तो कंप्यूटर चाहिए, कंप्यूटर चाहिए। हमारे नौजवानों के हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, ताबीज होने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। और इसलिए मैं कहने आया हूं कि भाइयों बहनों, बिहार को हम अगड़ा बिहार बनाना चाहते हैं। ये पिछड़ा बिहार का कलंक हमें मिटाना है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं अगड़े बिहार की लड़ाई के लिए आपके साथ खड़ा हूं। हमने एक लाख 25,000 करोड़ रुपया, 1,25,000 करोड़ रुपया लालू जी के युवराज उनको कहा जाए कि जरा कागज पे लिखो ने 1,25,000 करोड़। उनको कितने जीरो होते हैं पता नहीं चलेगा। जिनको 1,25,000 करोड़ कैसे लिखना वो नहीं आता है, वो 1,25,000 करोड़ के पैकेज से क्या बिहार का भला कर पाएंगे क्या? कर पाएंगे क्या भाइयों बहनों? 1,25,000 करोड़ का विकास पैकेज, 40,000 करोड़ का पुराना जो कागजों पर लिखा पड़ा था वो कुल मिलाकर के 1,65,000 करोड़ का पैकेज, मुझे बताइए बिहार का भाग्य बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा कि नहीं बदलेगा? आप मुझे बताइए। जब मैं सुनता हूं हमारे लोक तांत्रिक नीतीश कुमार कहते हैं, हमारे लोक तांत्रिक नीतीश कुमार कहते हैं कि ये गठबंधन बड़ा पवित्र है। मैं जरा पूछना चाहता हूं, ये कल तक एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाने वाले लोग तांत्रिक नीतीश बाबू, आप मुझे बताइए क्या आपने लालू जी को चिट्ठी लिखी थी? मेरे भाइयों, नीतीश कुमार ने एक लालू जी को चिट्ठी लिखी थी, वो पढ़ी है आपने? पढ़िए, पढ़िए और पढ़ाइए। अब तक पोलिंग तक ये चिट्ठी घर घर जाके पढ़ाओगे? पढ़ाओगे? नीतीश कुमार ने लालू जी पर कैसे गंभीर आरोप लगाए हैं, भ्रष्टाचार के कैसे गंभीर आरोप लगाए हैं, जातिवाद के कितने गंभीर आरोप लगाए हैं, संप्रदायवाद के कितने गंभीर आरोप लगाए हैं, कुशासन के कितने गंभीर आरोप लगाए। खुद नीतीश कुमार की लालू जी के नाम चिट्ठी है। भाइयों बहनों, इन दोनों को पहचानने के लिए अब इससे ज्यादा किसी सबूत की जरूरत है क्या? है क्या? और इसलिए भाइयों बहनों, ये एक दूसरे की पीठ में छरा फोंकने वाले लोग, ये जो महास्वार्थ बंधन है ना, उसकी पहचान क्या है? ये महास्वार्थ बंधन के जो हिस्सेदार है उनका इतिहास क्या कह रहा है,
उसी से उनका परिचय बनता है और इतिहास में छाप बात जिसको कहते हैं जो कि महास्वार्थ बंधन है उसकी तीन पहचान है दंभ दगा और दमन यही इनकी पहचान है दंभ करना दगा करना दमन करना यही इन लोगों की पहचान है अब बिहार पर ये दमन की राजनीति का दौर खत्म होगा दगाबाजी दम ये बिहार के राजनीति से सदा सर्वदा विदाई ले लेगा भाइयों बहनों और इसलिए आज बिहार के नौजवानों को बिहार के नागरिकों से मैं अनुरोध करने आया हूं कि आप विकास के लिए मतदान कीजिए और जब मैं विकास की बात करता हूं तो मेरी सादी सीधी भाषा में मैं बता देता हूं विकास का मेरा अनेक कार्यक्रम है वो तो सब करेंगे लेकिन मेरा बिहार के लिए छह सूत्री कार्यक्रम है छह सूत्री तीन सूत्र है बिहार राज्य के ही भलाई के लिए और तीन सूत्र है बिहार के परिवारों की भलाई के लिए बिहार राज्य की भलाई के तीन सूत्र क्या है बिहार को चाहिए बिजली पानी सड़क ये तीन सूत्र हैं अगर बिहार को बिजली मिल जाए तो बिहार का नौजवान कारखानों में इतना उत्पादन कर सकता है पूरे हिंदुस्तान की आर्थिक ताकत बन सकता है बिहार में किसानों के खेत में पानी पहुंच जाए तो बिहार का किसान हिंदुस्तान में सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन कर सकता है दूसरी हरित क्रांति कर सकता है पूरे हिंदुस्तान का पेट भर सकता है और बिहार के गांव गांव अच्छी सड़कों से जुड़ जाए तो बिहार की गति तेज दौड़ने लग जाएगी इसलिए मैं कहता हूं बिहार राज्य के लिए इस भूमि के लिए मेरा तीन सूत्री कार्यक्रम बिजली पानी सड़क और बिहार के परिवार को भी विकास के लिए कार्यक्रम चाहिए सिर्फ राज्य के विकास के बात नहीं बनेगी बिहार के परिवारों की भी चिंता करनी पड़ेगी और इसलिए मेरा तीन सूत्री कार्यक्रम है पहला है पढ़ाई दूसरा है कमाई और तीसरा है बुजुर्गों को दवाई ये तीन सूत्री मेरा कार्यक्रम है बिहार के नौजवान को पढ़ने के लिए बिहार के बाहर नहीं जाना पड़े ऐसी यहां पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए गरीब से गरीब के बच्चे को अच्छे से अच्छी शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए बिहार के नौजवान को कमाई करने के लिए रोजगार के लिए बिहार छोड़ करके अपने खेत खलिहान छोड़ करके अपने गांव अपने यार अपने दोस्त अपने बूढ़े माता बाप को छोड़ करके बिहार के बाहर जाना न पड़े शहरों में जाकर के जुब्बी की झोपड़ी में अपमानित जिंदगी जीने के लिए मजबूर न होना पड़े इसलिए बिहार के नौजवान को चाहिए कमाई और तीसरा बिहार में जो हमारे जो बुजुर्ग है उनको दवाई चाहिए डॉक्टर मिलना चाहिए सस्ती दवाई मिलनी चाहिए ये मेरा तीन सूत्री कार्यक्रम बिहार के परिवारों के लिए है और इसलिए मेरे भाइयों बहनों बिहार राज्य के लिए बिजली पानी सड़क बिहार के परिवारों के लिए पढ़ाई कमाई और दवाई इसके लिए मैं विकास की बात लेकर के आपके पास आया हूं और इसके लिए मैं आपके पास वोट मांगने आया हूं यहां पर हमारे लोक तांत्रिक नीतीश कुमार कहते हैं बाहरी 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 मैं जरा लालू जी और नीतीश कुमार को पूछना चाहता हूं ये मेरे बिहार के नौजवान को बिहार के बाहर किसने धकेल दिया
बिहार के मेरे नौजवान को बिहार के बाहर जाने के लिए किसने मजबूर किया, ये किसका पाप है आज मेरे बिहार के जवान को बाहरी जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ा। आपने मेरे बिहार के नौजवान को बाहरी बना दिया है। हम बिहार के नौजवान को बाहरी बनने देना नहीं चाहते, वही बिहार का भाग्य विधाता बने, उस दिशा में हम काम करना चाहते। यहां उद्योग धंधे लगने चाहिए, रोजगार लगना चाहिए, और इसलिए मेरे नौजवान साथियों, इस चुनाव में पूरी ताकत से मतदान कीजिए। 25 साल से कुशासकों को भयंकर से भयंकर सजा कीजिए और देखिए, हिमालय में जब बर्फ गिरता है, हिमालय में बर्फ वर्षा होती है तो बिहार में ठंड आती है कि नहीं आती है, बताइए ना। बिहार में बर्फ गिरता है तो हिमालय में बिहार में ठंड आती है कि नहीं आती है, तुरंत आती है ना। जैसा ही वहां बर्फ गिरना शुरू हो जाता है बिहार में ठंड आना शुरू होता है। जो हिमालय में होता है उसका असर बिहार पे तुरंत होता है। अभी 2 दिन पहले हिमालय में, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख लेह के अंदर चुनाव हुआ। लेह लद्दाख के चुनाव में बाकी सभी राजनीतिक पार्टियां साफ हो गई, अकेली भारतीय जनता पार्टी जीत गई। भाई जिस कांग्रेस के पास पहले 22 सीटें थी वो 5 पर आ गए, 5 पर, 5 पे आ गए, 5 पर। भारतीय जनता पार्टी का विजय बिगुल वहां बच गया। अब मुझे बताइए, वहां बर्फ गिरती हो तो जैसे हवा आती है, ये विजय की हवा भी बिहार में पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई? लद्दाख दिवाली मना रहा है, 8 तारीख को दिवाली मनाओगे? 8 तारीख को दिवाली मनाओगे? इस बार बिहार 2-2 दिवाली मनाएगा। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मेरे साथ मुट्ठी बंद करके बोलिए, सभी उम्मीदवार वगैरह आ जाए, मेरे साथ दोनों मुट्ठी बंद करके बोलिए, भारत माता की आवाज, नालंदा की धरती की आवाज है। उनकी नींद हराम होने वाली है, अब वो चैन से बैठ नहीं पाएंगे। आने वाले दिनों में कैसी बौखलाहट होती है, कैसे मुझ पर जुल्म होते हैं, लेकिन लालू जी, नीतीश जी, समझ लीजिए, आप जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलने वाला है। पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।